हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। और देखिए, सुबह का टाइम है और रोटी मैंने बना ली है और बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं और बच्चे नहा धो के रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। और बाकी कुछ काम मैंने कर लिया है, कुछ रह रहा है वो करूँगी बाद में। और इधर इनके पापा नहाने लग रहे हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि उनको भी जाना है। तो मैं कर रही हूँ उनके कपड़ों की प्रेस। मेरे पास टाइम था तो मैं कर दी। कभी इनके पापा के पास टाइम होता है तो खुद से भी कर लेते हैं, और मेरे पास टाइम होता है तो मैं भी कर दी। और इधर ही बच्चों के साथ और इनके पापा के साथ मेरी चल रही है हंसी मजाक और बात। और पता नहीं डुगू की किसी बात पर हम लोगों को हंसी आ रही है, पता नहीं डुगू क्या बात कर रहा है। और बस बात बातों में मैं कर देंगी प्रेस। तो मैंने सोचा चलो लोग की शुरुआत कर लेते हैं, अगर शुरुआत कर लेते हैं तो कोई क्लिप निकाल लेते हैं। अगर कई बार हम मैं शुरुआत नहीं करती तो वही शाम तक फिर कोई क्लिप निकल ही नहीं पाती, और एक बार हम शुरुआत कर लेते हैं तो कोई ना कोई क्लिप तो निकल ही जाती है और लोग तैयार हो जाता है। और ये रहा डुगू, और डुगू कह रहा था मेरे को मम्मी सेंट लगा दो, तो इसने लगवाया है थोड़ा सा अपना सेंट। और बस यहीं खड़े हुए हैं दोनों बहन भाई तैयार होके, और मैंने इसके बाल भी बना दिया है, सेंट लगा दिया है, और बस शर्ट को प्रेस कर दिया मैंने। बस अब पैंट की प्रेस बाकी है, इसको और कर देंगे। और ये छोटी सी बोतल है, इसमें मैंने पानी डाल के रखा है स्प्रे मतलब करके, और फिर मैं प्रेस कर देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाती है। पता नहीं ये प्रेस थोड़ा सा ऐसा है कि ये कपड़ों की पकड़ करती है। तो बस यहीं पर बेड पर ही मैं खड़े खड़े प्रेस कर लेती हूँ, और इनके पापा भी नहा कर आ चुके हैं। बस अब वो फटाफट से तैयार हो जाएंगे और मैं उनका मतलब टिफ़िन पैक कर दूँगी। कभी ले जाते हैं कभी नहीं, तो आज कह रहे थे कि लेके जाऊंगा तो टिफ़िन पैक कर दूँगी, और वो तब तक रेडी हो जाएंगे। जूते वगैरह रख देते हैं, और टाइम होता है तो मैं भी आराम से कर देती हूँ सब चीज़ें, वरना अगर कभी लेट हो जाते हैं तो खुद से कर लेते हैं। नहीं है कि भाई मेरे पास नहीं टाइम होता है तो वो कर भी लेते हैं। तो बस कर दिया मैंने परहेज और इनके पास। और देखिए अब है शाम का टाइम, दिन में मैंने फिर बाद में कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि भाई मेरे को चलानी थी मशीन, ज़रूरी होते हैं भाई अगर किसी के कपड़े आए हुए हैं तो उनको भी सिलना होता है। तो बस मैं उनकी सिलाई करने में लग गई। और अब है शाम का टाइम, तो टाइम था मेरे पास थोड़ा सा। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि भाई लो एक बार संदूक खोलूँगी, कुछ देखना था मेरे को अपने लिए। ये कुछ सूट रखे हुए हैं भाई घर से लाए हुए, और साड़ी थी जो मैं लेके आई थी पहले अपने घर से, तो वो रखी हुई थी। तो उनमें से देख रही थी मैं भाई कोई एक आधी साड़ी अपना तैयार कर लूँ, काफ़ी टाइम हो गए पहले की ही है सब पुरानी, अभी मैं कोई साड़ी तैयार नहीं करती। और मैं मतलब पहले जो मतलब लाती थी साड़ी वो ही रखी है, मैं बहुत कम खरीदती हूँ साड़ी वगैरह, जो है उन्हीं में ही तैयार कर लेती हूँ घर से लाई थी। और ये सीनरी रखी हुई है, ये डुगू के पापा से किसी ने इनके बर्थडे पर दी थी, पता नहीं दीपावली पे किसी ने दी थी इनको ये गिफ्ट। तो अभी इसको मतलब सही जगह नहीं मिली है मेरे को लगाने के लिए, कभी लगाएंगे तो मैंने सोचा भाई कांच है बच्चे कहीं नुकसान ना कर दें, तो मैंने इसको ना संदूक में अच्छे से सेफ्टी से रखा हुआ है कि कभी लगाऊंगी तो लगा लूंगी। तो ये साड़ी भी मेरी पहले की है। तो शिल्पा कह रही है दशहरे वाले दिन की बात है ये, तो शिल्पा मेरे को बोल रही है मम्मी ये साड़ी पहन ले, तो मैंने कभी टन नहीं मैं नहीं पहनने वाली, मेरा मन नहीं है। तो होता है ना कभी कभी भाई भाई कोई बात ऐसी होती है कि मन नहीं करता पहनने को। तो वैसे मेरा मन था कि मैं दशहरे को अच्छे भाई बढ़िया कपड़े पहनूंगी, खुशी की बात थी भाई, देखो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और बुराई का अंत हुआ था, तो खुशी का दिन तो था ही, पर मैं खुश नहीं थी इस दिन थी कोई बात में, मैं मतलब किसी बात से बहुत परेशान थी। आप सबको पता है कि भाई किसी बात से लेकर बच्चों की हो या किसी की भी बात हो कोई भाई टेंशन होती है तो मन नहीं करता। तो फिर मैंने रख दिया वापस कि नहीं बेटा मैं नहीं पहनूंगी। तो ये साड़ी थी, ये भी मैं अपने मामा के यहाँ गई थी तो तब लेके आई थी। तो ये शिल्पा कहती थी मम्मी ये तैयार कर ले, तो मैंने कहा नहीं बेटा मेरे पास येलो कलर की दो तीन साड़ियाँ हैं तो मैं ये नहीं करूँगी। तो ये कह रही मम्मी चल देख ले कर ले, इसको जिद लगी हुई थी नहीं मम्मी अच्छी है कर ले। मैंने कहा नहीं बेटा मैं यूज में ले लूँगी, मेरे पास काफ़ी है सब। और ये है नहीं भाई हम जो भी जितने भी कपड़े हैं सभी पहनते हैं, वैसे भी चाहिए भाई यूज करने के लिए भी होने चाहिए, तो मैंने इसको रख दिया था कि कहीं यूज में आ जाएगी। और अब जब मैं रक्षाबंधन पे गई थी तो तब मम्मी ने दी थी एक साड़ी, वो भी थी मेरे पास। और ये भी मेरी शादी के टाइम की साड़ी रखी हुई है, शादी के टाइम की थी ये साड़ी। तो मैं शिल्पा को दिखा रही थी भाई ये मैं नहीं पहनूंगी इसका भी क्या करें, तो बोल रही थी मम्मी इसका भी कुछ बना लो, तो बस मैंने इसको भी रख दिया। और ये सूट था ये भी किसी काम के लिए निकाला था फिर रख दिया।
तो बस ऐसे ही ये देख रही थी कि मैं कौन सी, एक तो ये साड़ी ली है भाई मैं इसको तैयार करूँगी, और दो इसमें सूट है जो रक्षाबंधन पे गई थी, एक पल्लवी ने दिया था और एक मेरी मम्मी ने दिया था और एक ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी। तो ये तीन मतलब तीन चार चार ले के आई थी मैं रक्षाबंधन पे, मम्मी ने दी थी एक साड़ी ये थी और एक साड़ी मम्मी मामा के यहाँ से लेके आई थी, और मम्मी ने एक एक हम दोनों बहनों के सूट खरीद के रखे हुए थे। तो बस वो भाई हम तो अपना जैसा अपना घर का कहते हैं ना ब्योत देखना चाहिए, हमारा जैसे घर का ब्योत है उस हिसाब से हम लेके आते हैं, जितना मतलब चादर होती है गुदड़ी होते हैं ना उतने पैर पसारने चाहिए। तो ये नहीं है कि भाई ये, और देखिए कुछ हो गया शाम का टाइम और हमारे यहाँ फिर ये रावण कुकुन बनाया था छोटे बच्चों ने, मेरे झूले के बच्चों ने ऐसा भाई रावण इस टाइप का बनाया था, और फिर मेरे को बाद में पता चला जब पहले तो वो बच्चे बोल रहे थे कि रावण को वो करेंगे आ जाना, फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी तो मैं तो क्या गई थी दिया गई थी और दिया बना के लेके आई थी फिर थोड़ी सी क्लिप, और इधर रावण को मतलब वो करने लग रहे थे, रावण को जला दिया है। और भाई पिछली बार तो शिल्पा और बुबू ने भी बनाया था, और अब की बार बस इन छोटे छोटे बच्चों ने मिल करके अपना जैसा बच्चों ने बनाया था उस हिसाब से भी ठीक था, और इन्होंने बस अपना ऐसे ही बना करके और अपनी खुशी मना ली। यहाँ भाई नज़दीक में तो कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई रावण का वो करते हैं जड़ाते हैं रावण को वो देखने चले जाएँ, यहाँ तो पास में था ना, तो बच्चों ने अपना ऐसे ही बना लिया और रावण को जगा दिया। तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं अपने गांव के बच्चे, छोटे 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 अपने आप ऐसे बना करके, और बच्चे बहुत खुश थे। और देखो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने मतलब मिठाई टोफी ला रखी थी कि जो भी देखने आ रहे थे कि रावण जल गए उन सबको एक एक टोफी दो दो टोफी दी गई थी कि भाई सब टोफी खाओ। और बस ये तो हो गया है रावण का एंड, कहते हैं ना बुराई पर अच्छाई की जीत और बुराई की हार, तो अच्छा ही तो भाई अच्छा ही होता है, बुरा इंसान कितना ही बुरा कर ले अच्छा ही तो अच्छा ही होती है, तो कितना ही ताकतवर इंसान क्यों ना हो फिर भी उसके सारे मतलब करा कारनामे करा तो धर ही रह जाती है। तो रावण तो अपने मतलब कितना घमंड था रावण को, कितनी ताकत थी किसी में नहीं होगी, और उसका इस तरह से बुरी तरह से दहन हुआ था। कहते हैं अच्छे कर्म करो अच्छे की तो जीत होती है, बाकी जो अपने लिए करता है जो कोई करता है करने, तो इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है वैसे कहें जब तो, ठीक है ना, सब एक दूसरे की कटती करना वो बुरा है। लेडीज़ों में तो खास तौर से ऐसा हो रहा है कि वो उसकी चुगली कर रही है वो उसकी चुगली कर रहे हैं, भाई क्या रखा है इन सब चीज़ों में, फिर किसी की चुगली करने में क्या है, अगर किसी को कहना है तो सीधा मुँह पे कह दो, हाँ मुँह पे कहो वो अच्छी बात है, हाँ मैं भाई जो कहना है कह दिया मुँह पे, जो किसी से बोलने का मन करे तो बोलो ना बोलना तो मत बोलो, किसी की मत कटती करो मत। और चलो वो तो बात ख़त्म हो गई है, फिर अगले दिन का सोमवार का वीडियो है। मैं और शिल्पा गए थे मार्केट, हम गए थे अपने भाई दांत दिखाने के लिए गए थे, तो मेरे थोड़े से दांत में ना चीज सी चल रही थी और शिल्पा के दांत में भी, तो हम दिखाने गए थे बस, वो शिल्पा की तो मैं क्लिप नहीं निकाल पाई, मैं इधर डॉक्टर से कुछ बात करने लगी थी तो उसकी तो क्लिप मैं निकाल नहीं पाई, और जब मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था तो शिल्पा ने क्लिप निकाल ली थी। तो यहाँ दिखा के आए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि एक सप्ताह बाद फिर से आना है, तो मैंने कहा भाई ठीक है पर बाकी मैं जाऊँगी नहीं, यहीं कोसले में ही जाएँगे, क्योंकि मुझे संतुष्टि नहीं हुई जैसा मतलब पहले मैं गई थी उस डॉक्टर की तरह नहीं था ये डॉक्टर। पर शिल्पा को ना पहले जब दो साल पहले की बात है करीब, तो इसकी जाड़ में दर्द था और वो जाड़ थी थोड़ी टूटने वाली, तो वो पहले तो हिल रही थी तो इन्होंने पाट दी जब, तो दर्द नहीं हुआ तो इसको ना ऐसे हो रहा था, मम्मी मुझे तो उसी डॉक्टर के पास जाना है, तो हाँ गए थे इसलिए अब नहीं जाएंगे। और ये है हमारे बाबा जी महाराज जो हमारे हमारी जो जहाँ मतलब मानता है ना हमारे गांव मतलब मेरे मायके में हमारे मम्मी पापा जहाँ जाते हैं जहाँ इनकी मानता है वहीं पास में ही था जहाँ डॉक्टर के गई थी, तो मैंने सोचा पता नहीं कभी छोटी थी तब मैं तभी आई थी तो कभी नहीं आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो पास से जा रहे हैं तो क्यों ऐसे निकला जाए, बिल्कुल वहीं स्टेशन के पास ही डॉक्टर था और स्टेशन के पास ही है
थे तो मैं और भाई हमारे ना घर में ना तो इन्हीं की मानता है, इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब जो भी कुछ नया काम करना होता है इनके दर्शन करते हैं। और देखिए हमारे गांव में ऐसे कुआं पूजने के लिए जाते हैं, ये हमारे पड़ोस में मतलब लड़का हो रखा था तो ऐसे जाते हैं कुआं पूजने के लिए। देखिए ये जो जच्चा बोलते हैं वो है और इनको है लड़का, तो बस ये कुआं पूजने के लिए जा रहे हैं। और सभी गांव की लेडीज़ मतलब आस पास की सभी इकट्ठी हो जाती हैं और डीजे बज रहा है और बस ऐसे ही डांस वगैरह करते हुए निकलते जा रहे हैं सब यहाँ से, और कुआं पूजन करेंगे और फिर मंदिर में जाएंगे। तो हमारे गाँव में सब ऐसे ही करते हैं कुआं पूजन। और